वेलकम है आपका मेरे चैनल बायोलॉजी बाय अंचल सर पे प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सी ने जो कल अपडेट किया है न्यू सेलेबस जिसमें 30 परसेंट सेलेबस को रिड्यूस किया गया है क्लास सेशन 2021 के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी में क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई हैं थ्योरी के पोर्शन से और प्रैक्टिकल के पोर्शन से आइए देखते हैं पहले यूनिट में जो क्लास स्टार्ट हो रहा है आप क्लास ट्वेल्व की बात करते हैं यूनिट नंबर सिक्स है जिसका नेम है क्या रिप्रोडक्शन इसमें जो पहला चैप्टर आ रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स इससे क्या रिमूव किया गया डिलीट किया गया है देखते हैं आपको नहीं रीड करना है क्या क्या रिप्रोडक्शन ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर कॉन्टिन्यूइंग ऑफ स्पीसीज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल ये पूरे के पूरे टॉपिक को फिलहाल तो आप पढ़ ही लिए होंगे इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे तो इसे आप फोकस करने की जरूरत नहीं है बात करेंगे हम यहां पे ए सेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो ए सेक्सुअल में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं यहां पे ए सेक्सुअल में क्या आएगा यहां पे बाइनरी फिजन डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करना आपको पढ़ना नहीं है स्पोरेशन की बात कर लें बडिंग की बात कर लें जेम्यूल फॉर्मेशन जो स्पेस में होता है वो नहीं पढ़ना आपको फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव प्रोप्रोगेशन इन प्लांट ये सारा का सारा एग्जामिनेशन में नहीं आएगा आगे बढ़ते हैं बात करेंगे यूनिट सेवन की बात कर रहे हैं जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को बिलोंग करता है इसमें जेनेटिक्स के सारे पोर्शन को तो रखा गया है लेकिन एवोल्यूशन के कुछ पोर्स को रिमूव किया गया है वो कौन से पोर्शन हैं एवोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ये नहीं पढ़ना है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इसे भी आपको नहीं पढ़ना है उसमें देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना आपको पैलियटोलॉजी से जो मिलते हैं एविडेंस वो नहीं पढ़ना आपको साथ में कंपरेटिव एनाटॉमी नहीं पढ़ना है एम्बोलॉजिकल एंड मॉलिकुलर एविडेंस को आपको रीड नहीं करना है साथ में डार्विन का जो कंट्रीब्यूशन है उसे भी आपको रीड नहीं करना है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को नहीं रीड करना है आपको साथ में बात करेंगे यहां पे हम मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन को भी आप नहीं पढ़ेंगे जो आपको फर्स्ट लाइन में दिखाई दे रहा है मैकेजम एवोल्यूशन साथ में वेरिएशन वेरिएशन में क्या म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन एंड नेचुरल सेलेक्शन एग्जाम्पल्स कौन कौन से सेलेक्शन होते हैं वो भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी नहीं रीड करना है साथ में टाइप्स ऑफ नेचुरल सेलेक्शन जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट ये सारी चीजें हटा दी गई साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी रिमूव कर दिया गया है हार्डी वीनबर्गस प्रिंसिपल एडोप रेडी एडॉप्टेशन रेडिएशन एन ह्यूमन एवोल्यूशन ये ह्यूमन एवोल्यूशन से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी इसे भी इस बार रिमूव कर दिया गया है तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं सलेबस काफ़ी रिड्यूस कर दिया गया सेवेंटी परसेंट सेलेबस से ही आपका एग्जामिनेशन होगा तो आप अचीव करते हैं कर सकते हैं मोर देन नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स आप इस बार अचीव कर सकते हैं जनरल जो स्टूडेंट है वो भी अचीव कर सकता है गुड स्टूडेंट तो फुल का फुल मार्क्स लेके आएंगे ही आएंगे बात करेंगे यूनिट एट की बात करने जा रहे हैं हम यहाँ पे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की उसमें जो चैप्टर है चैप्टर नाइन से स्ट्रेटजीज फॉर द इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोडक्शन इसकी बात करेंगे इसमें से क्या रिमूव किया गया देखते हैं हम यहाँ पे एनिमल हजबेंड्री नहीं पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग भी नहीं पढ़ना है आपको टिश्यू कल्चर सिंगल सेल प्रोटीन छोटा सा टॉपिक था ये इसे भी हटा दिया गया है तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग ये सारा टॉपिक हटा दिया गया मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यूनिट टेन की बात करें इसमें अगर फोकस करें तो जिसमें आ रहा है क्या इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे चैप्टर फोर्टीन इस इस पूरे के पूरे यूनिट में सिर्फ चैप्टर फोर्टीन की बात करें यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे इकोसिस्टम उसका पैटर्न उस कंपोनेंट्स प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशंस, एनर्जी फ्लो इंपॉर्टेंट है साथ में पिरामिड ऑफ नंबर पिरामिड ऑफ नंबर बायोमास एनर्जी ये तीनों टाइप के पिरामिड को हटा दिया गया साथ में न्यूट्रिय साइकिल कार्बन एंड फॉस्फोरस दोनों दिया है इंपॉर्टेंट था हटा दिया गया लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया है इकोलॉजिकल सक्सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऐसे क्वेश्चंस आते थे हटा दिया गया इकोलॉजी इकोलॉजिकल सर्विसेज कार्बन फिक्सेशन पॉलिनेशन सीड डिस्पर्सल ऑक्सीजन रिलीज ये सारा का सारा रिमूव कर दिया गया यहाँ से चैप्टर लास्ट की बात करें सिक्सटीन जो लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज से देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ से रिमूव की गई हैं यहाँ से इसमें रिमूव किया गया है जो टॉपिक आ रहा है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल साथ में केमिकल एंड देयर इफेक्ट्स जो पेस्टाइड्स से उनके क्या इफेक्ट थे यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे मैनेजमेंट किया जाना है इसको आपको रीड कर, करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट इन सारे टॉपिक को रिमूव कर दिया गया ग्रीन हाउस इफेक्ट इसे भी हटा दिया गया साथ में क्लाइमेट चेंज उसके शूज ये देखिए यहाँ पर क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन जो लॉस बनाए गए थे यहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन को रिमूव कर दिया गया एक एग्जाम्प्लीफाई द केस स्टडी एज सक्सेस स्टोरी एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल इशूज इन सारे को रिमूव कर दिया गया है आइए आगे, आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे कि डिलीटेड पोर्शन जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप क्या चीजें नहीं आएंगी आपको जो बोर्ड का एग्जाम होगा इसमें दो कैटेगरी बनाई गई एक ही बात करते हैं लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कौन सा आपको नहीं करना होगा प्रैक्टिकल लैब में ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में पहला है स्टडी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर इन एयर एट टू वाइडली डिफरेंट सिटीज ये अब आपको न अपने प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखना है न ही यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी नहीं दिया जाएगा साथ में स्टडी ऑफ प्लान पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड इसे भी आपको रीड नहीं करना है थर्ड जो है स्टडी ऑफ प्लांट पॉपुलेशन फ्रिक्वेंसी बाय क्वाड्रेट मेथड ये तीसरा वाला भी क्या करना है आपको नहीं करना है आगे बढ़ते हैं यहां पे हम जो पॉइंट बी आ रहा है ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे स्पॉटिंग में जो दिया जाता है जो टू मिनट्स का टाइम मिलता है आपको लिखने के लिए साम, आपको सामने स्पेशन रखा रहेगा उसमें क्या नहीं दिया जाएगा ये पॉलिन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा थ्रू ए परमानेंट स्लाइड आर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्ट जो है इसके बारे में आपको लिखने के लिए स्पॉटिंग में नहीं आएगा तो सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है सो so, आप मन लगा के पढ़ाई करिए ऑल द बेस्ट फॉर सेशन 2021 ट्वेंटी वन एंड बने रहिए मेरे चैनल पे जिसका नेम है बायोलॉजी बाय बाई सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी के लिए जिसमें मैं डिटेल में, में पढ़ाऊंगा आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें दिए गए नंबर पर टेक केयर यू ऑल